हालांकि देखो धूप रहता है तो गर्म हो जाता है ये पूरा केबिन। पहले मैं एसी चालू करता हूँ, फिर उसके बाद हेलमेट जैकेट निकालता हूँ, शूज वगैरह निकालता हूँ, फिर केबिन में आता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आ चुके हैं भाई साइड पे, ठीक है। लेकिन आज का जो काम होने वाला है वाकई में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन बिल्कुल भी स्लैब होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्लैब कम्प्लीट हो गया है, आपने ज़रूर से देखा होगा, वो बिल्कुल भी कम्प्लीट हो चुका है और आज के दिन बिल्कुल भी भराई होने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लो हमारा सेफ्टी स्किन बिल्कुल भी ये कम्प्लीट हो चुका है, और अभी लगभग नहीं तो ऐसा दो तीन और बनने वाला है, दो तीन और बनेगा। हालांकि एक वहाँ पे भी है, वो भी लग सकता है, तो मैक्सिमम दो तीन और बनने वाला है, दो तीन और बन जाएगा तो वो कम्प्लीट हो जाएगा। क्या कम्प्लीट हो जाएगा? स्लैब का चारों तरफ का जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं साइड पे, ये है बिल्कुल भी गैलरी एरिया, वहाँ पे आ चुका है कंक्रीट का गाड़ी तो दिख ही रहा होगा, वो आ चुका है। और वहाँ से बिल्कुल भी उसमें कंक्रीट का गाड़ी नहीं है, वो कंक्रीट पंप लेके आया है और पाइपलाइन लेके आया है, उसमें बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर देने के बाद स्लैब पे कंक्रीट देखने को मिलेगा। टॉप में चलते हैं, सारी बातें आप सभी को बताएंगे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे चलता चला जा रहा है वैसे वैसे काम आगे भी चलता चला जा रहा है। यार पिछली वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया तो बड़ा ही ज़्यादा नॉइस आ रहा था, तो माफ करना उसके लिए। ये फोरमैन है, बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता है मेरे को देख देख के, क्या क्या कर क्या रहा है। अभी भी नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर चलेंगे अभी, लेकिन पूरा टॉप में चले जाएंगे, अभी नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो स्लैब में आज मतलब कितना हो रहा है, पाँचवें फ्लोर का भराई होने वाला है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर तक का हो चुका है, फिफ्थ फ्लोर का शटरिंग किया जा चुका है, और फाइव फ्लोर का जो है वो बिल्कुल भी कॉन्क्रीटिंग किया जाएगा, जिससे कि कॉन्क्रीट होगा तो स्लैब आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसलिए हम आपसे भी बता देते हैं कि क्या क्या काम का मतलब इस वक्त स्थिति है और क्या कुछ चल रहा है। तो दो दो पार्ट में भराई देखने को मिलता है, दो पार्ट से ज़्यादा नहीं होता है, तो दो दो पार्ट का भराई होगा। तो आप फिर चलते हैं, सारी बातें वही बताते हैं। तो वैसे आ चुके हैं बिल्कुल भी क्रेन पे, ठीक है। तो क्रेन पे आ चुके हैं और इस वक्त गाड़ी भी आ चुका है पंप का, तो पंप से भराई होगा और कुछ क्रेन से भराई होगा, जो कि मैसेज डाल दिया गया है कि मैनुअली ही होगा। तो सबसे पहले इधर का मैं स्लैब दिखा देता हूँ आपको, कि ये स्लैब जो दिख रहा है आप सभी को, इस साइड का कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट किस साइड का हुआ है, इस साइड का हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है। अभी मैं केबिन में अंदर जाऊँगा तो उसमें से बताऊँगा, उस साइड का कम्प्लीट हुआ है तो उस साइड का भी बिल्कुल भी भराई होने वाला है। और मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10-11-12 बज सकता है, यानी दोपहर तक मैक्सिमम भराई स्टार्ट होगा, क्योंकि पंप का गाड़ी आया है, पंप लगाएगा, फिर उसके बाद पाइपलाइन करेगा, पाइपलाइन मैक्सिमम 2-3 घंटे लग जाते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे तो जाएंगे ही, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर तक आने वाला है तो बहुत समय जाने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि उतना कोई खास ज़्यादा काम देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी होगा आधा अधूरा ही होगा। तो आते हैं थोड़ा सा अंदर के साइड में और आप सभी को दिखाते हैं। सबसे पहले शूज़ वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है। तो शूज़ वगैरह खोल लेते हैं, फिर बाकी की बातें तो करते ही रहेंगे। उससे पहले शूज़ खोल लेते हैं, हालांकि शूज़ अगर नहीं खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि केबिन अपना घर है और केबिन में शूज़ पहन के काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हालांकि हमने खोल दिए हैं और इस वक्त हेलमेट निकाल देते हैं, हेलमेट भी निकाल दिए, जैकेट भी निकाल लेते हैं। हालांकि देखो धूप रहता है तो गर्म हो जाता है ये पूरा केबिन। पहले मैं एसी चालू करता हूँ, फिर उसके बाद हेलमेट जैकेट निकालता हूँ, शूज़ वगैरह निकालता हूँ, फिर केबिन में आता हूँ। तो और सारी बातें बताता हूँ, तो इससे पहले बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बैठते हैं, कैसा चल रहा है सभी के। तो सबसे पहले वाइब देख लो सामने से ये वाइब आती रहती है। और स्लैब आप सभी को दिखाता हूँ कि स्लैब कितना कम्प्लीट हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, ये स्लैब है, यही भराई होने वाला है, इसे भराई करने में समय जाएगा, यहाँ तक भराई होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना ये लकड़ी, यहाँ तक भराई होने वाला है। अब ये क्रेन को मैं बिल्कुल भी घुमाने वाला हूँ, तो मैंने लेफ्ट साइड का दबा दिया है बटन और ये बिल्कुल भी लेफ्ट जाने लग गया। तो कुछ इस तरीके से होता है
गर्मी भी अच्छी खासी लगती है, काम भी करने पड़ते हैं, एसी भी लगा हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस काम करते रहो, एंजॉय करते रहो और मस्त एंजॉय में ही रहो। तो बताओ कहाँ कहाँ से देख रहे हो, जो कि हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैसेज रहता है, कहाँ से देखा जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो सैलरी कितनी मिल रही है, अपनी अपनी सैलरी बिल्कुल भी बताएं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्स बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर मुझसे ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर कम मिल रहे हैं, तो उसकी रिप्लाई मैं कर दूंगा कि आखिर मेरे कितने मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, फ्री होते हैं तो बाकी की बातें बाद में करते हैं। Hey guys, बिल्कुल भी नाइट हो चुका है, 7 बज चुका है और इस वक्त बिल्कुल भी काम पे हैं और काम हो ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि अभी भी कितने बजे गुजार रहे हैं, 9 बजे गुजार रहा है इस वक्त। दिन भर बहुत ज़्यादा काम हुआ इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे अभी काम हो ही रहा है इस वक्त और बाकी के लोग सभी इंजॉय करते हुए, काम बहुत है तो करना तो पड़ेगा ही ना। कॉन्क्रीट हो रहा था, मुझे सिग्नल देना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो काम बहुत ज़्यादा था इसके लिए करना पड़ रहा था। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितने बजे तक होता है। हे गाइस, तो आ गए हैं बिल्कुल भी ऑफिस में और इस वक्त बिल्कुल भी काम खत्म हो चुका है। अभी इस वक्त 10 बजने को जा रहा है, 9:15 बजे बिल्कुल भी काम खत्म हो चुका था। हालांकि काफ़ी सारे स्टाफ तो रुके हुए थे और उस वक्त काम बिल्कुल भी कंप्लीट हुआ तब जाके छुट्टी हुई है। हालांकि दिन भर इतने ज़्यादा काम हो रहे थे कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा काम हो रहे थे। हालांकि मुझे सिग्नल देना हो रहा था और दूसरा जो ऑपरेटर था वो काम कर रहा था, ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन बन गया था, काम ज़्यादा रहता है तो हालांकि टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करता तो कई सारी जानकारियाँ भी मैं देता, हालांकि कई सारे काम रहते हैं तो इसके लिए फुर्सत नहीं रहता है, तो वो काम करने ही पड़ेंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम मेरे लिए बढ़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कल की आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो उसको ज़रूर से देखिएगा। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए नए भाई लोग, नए नए दोस्त, नए नए यार सभी जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे अपने लाइन से जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, तो कई सारी उनके लिए जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, तो ज़रूर से देखिएगा, जिससे कि आपको हो सकता है आगे चल के मुनाफा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हालांकि जिस लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ उस लाइन के बारे में आप सभी को जानकारी जरूर से दूंगा, और आने वाले कुछ समय के दिन के बाद, आने वाले कुछ समय के दिनों के बाद हम कहीं और जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं सोचते ही रहो और कॉमेंट में रिप्लाई जरूर से कर सकते हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हालांकि कहीं जाने वाले हैं बढ़िया लोकेशन पे और उस लोकेशन पे वहां की वीडियो देखने को की कोशिश करूंगा, तो सोचते रहो और कमेंट में जवाब देते रहो कि हम कहां जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।